लद्दाख में कोरोना वायरस के कल जो रिजल्ट्स आए हैं उसमें 3 पॉजिटिव नए केसेस आए हैं, जिसमें से एक केस कारगिल के संकू एरिया का है। उसको देखते हुए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कारगिल ने CRPC 144 वहाँ इम्पोज किया है, जिसमें उन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया है कि किसी भी जगह पर 5 से ज़्यादा लोग एकत्रित नहीं होंगे। उसी तरह ज़िला प्रशासन ले भी बहुत शीघ्र ही अपनी तरह से एक ऑर्डर निकालने वाला है। हम लोगों ने पब्लिक में ये अपील किया है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो हमारे पॉजिटिव केसेस आइडेंटिफाई हो रहे हैं उनके संपर्क में आए हों, और यदि उनको लगता है कि उनके कोई लक्षण है जिससे कि उनकी तबीयत खराब होने का संकेत मिलता है, तो वो इस बात को छुपाए नहीं और तुरंत जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में आके अपने आप को स्कैन और अपना सैंपल दे और अपना जो है टेस्ट कराए। सर, जो 3 पॉजिटिव केसेस हैं उनको भी आइसोलेशन में रखा है? जो 3 पॉजिटिव केसेस है उनको हमने इमीडिएटली कल रात को ही आइसोलेशन में रखा है। एक जो संकू का केस था वो ऑलरेडी आइसोलेशन में था क्योंकि उनकी मदर सस्पेक्ट थी, तो उनको आइसोलेशन में रखा था। लेके जो केसेस है उनमें से एक पुराने हमारे पेशेंट का ही रिलेटिव था, जो हमारे एक स्टाफ है मेडिकल का, उनको कल शाम को उन्होंने खुद वॉलंटरली आइसोलेट उन्होंने किया है, तो वो आइसोलेटेड है सर। तो इस सिलसिले में सर, जैसे कारगिल से हुआ कि क्या आपका कारगिल का दौरा करने का भी कोई प्रोग्राम है सर? हाँ जी बिल्कुल, कारगिल दौरा करना, अभी आपको पता ही है यहाँ के डायरेक्टर हेल्थ जो है वो कारगिल गए थे, उन्होंने वहाँ पर 2 दिन काफ़ी इंटेंसिव उन्होंने वहाँ का रिव्यू किया है, और मैं भी बहुत जल्दी कारगिल जाऊँगा जी। For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today. The only voice of Kargil Ladakh.